भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में 54 दक्षिण अफ्रीकी मुल्कों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत की। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बेहतर सहभागिता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक स्तर पर एकजुट होकर लड़ने का आह्वान भी किया। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आए भूकंप के भीषण झटकों से करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां 200 से अधिक लोग मारे गए हैं जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से मदद का भरोसा दिया है। उधर भारत का जम्मू कश्मीर भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मदद में सहयोग देने की बात की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 1 जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली और द्रबगांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मारे गए आतंकी का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। बिहार में कल शाम तीसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में कल 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा, लेकिन अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के बेतिया, मोतिहारी और सीतामढ़ी में चुनावी सभाओं के अलावा अन्य दलों के नेता भी आज कई चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। सीबीआई ने कहा है कि बाली में गिरफ्तार गैंगस्टर छोटे राजन को भारत लाया जाएगा। भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर छोटा राजन को कल इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो केंद्र से अनुरोध करेगी कि राजन को भारत भेजे जाने के बाद उसे मुंबई भेजा जाए। भारत में कई मामलों में छोटा राजन वांछित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीलंका नेवी ने तमिलनाडु के 34 मछुआरों को आज सुबह हिरासत में ले लिया। श्रीलंका नेवी ने रामेश्वरम के नजदीक 7 नावों को भी जब्त कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार की 2 पहलों ई सहयोग और पैन कैंप का शुभारंभ करेंगे। कागज रहित व्यवस्था बनाने की इस पहल में नोटिस ईमेल पर भेजा जाएगा। पैन कैंप का मकसद पैन रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक बार फिर समन भेजा है। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के सिलसिले में ईडी ने शाहरुख को तीसरी बार समन भेजा है। इस बारे में 2014 में उस वक्त गड़बड़ी सामने आई जब एक दूसरी कंपनी से ऑडिट कराया गया था। आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी का मालिकाना अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के पास है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ता हुआ 16 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 353.53 अरब डॉलर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान इसमें लगभग 46 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में ये 353 अरब डॉलर रहा था। स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने भारत में अपने 3 संयंत्रों में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से मंजूरी मिलने के बाद इसे बाजार में फिर से पेश करेगी। नेस्ले बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ताजा उत्पादन में से नमूने परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त 3 प्रयोगशालाओं को भेजेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही कंपनी उसे बाजार में बेचना शुरू करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्था ने कहा है कि मटन और प्रोसेस्ड मीट के खाने से कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। संगठन ने एक संतुलित नीति बनाने की सलाह दी है। फ्रांस स्थित कैंसर पर शोध करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार तंबाकू और धुएं की तरह रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट से भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। शरणार्थियों की समस्या को लेकर यूरोपीय संघ और बाल्कन नेताओं के बीच नई योजना पर सहमति बनने के एक दिन बाद स्लोवेनिया की सीमा पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में शरणार्थी स्लोवेनियन बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जहां से लोग रिफ्यूजी कैंपों की ओर जा रहे हैं। यूरोपियन संघ और बाल्कन नेताओं के बीच सहमति से बनी 17 बिंदुओं वाली नई योजना का ही ये हिस्सा है, जिसके अंतर्गत बाल्कन इलाके में शरणार्थियों की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। भारतीय सरजमीं पर पहली बार द्विपक्षीय सीरीज जीतने के बावजूद आईसीसी वनडे रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है, जबकि हार के बावजूद भारत ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। बल्लेबाजी रैंकिंग में एबी डिविलियर्स पहले और विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में 5 साल में 4th रजत पदक जीत लिया है। उन्हें फाइनल में कोरिया की चोई मिसुन ने हरा दिया। 5 प्रयासों में पहला स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश में जुटी दीपिका ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तो आसानी से जीता, लेकिन फाइनल में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज से हार गई। भारत ने टूर्नामेंट में 2 रजत पदक जीते। आज वाल्मीकि जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि के विचारों ने हमेशा समाज को प्रेरित किया है।